गुड मॉर्निंग, आई एम अलका वर्मा फ्रॉम गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज गांधीनगर जयपुर। माय टुडे सब्जेक्ट इज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, सब्जेक्ट कोड MO 306। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। सरकारी पत्र और व्यावसायिक पत्र में क्या विभिन्नता है, क्या डिफरेंसेस हैं वो डिस्कस करेंगे। There are many differences between official correspondence and business correspondence. Some points we will discuss: difference in language, difference in layout of form, personal touch or feeling, and sales point. First is difference in language. भाषा में भिन्नता कि official letter की जो भाषा होती है वो mostly official होती है, और जो official designation होता है राइटर का उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि हायर अथॉरिटी सबॉर्डिनेट को लिख रही है तो उसकी जो भाषा है वो टोटली डिफरेंट होगी, ऑर्डर स्टाइल में होगी, और जो सबॉर्डिनेट अगर हायर अथॉरिटी को लिखेगा वाइस वर्सा होगा तो उसकी जो लैंग्वेज है थोड़ी सी पोलाइट होगी पर डायरेक्ट स्टाइल होगा, फॉर्मल होगी। तो मोस्टली जो बिजनेस ऑफिशियल लेटर होते हैं उनकी लैंग्वेज फॉर्मल होती है और ऑफिशियल डेजिग्नेशन पे डिपेंड करती है ऑफ राइटर, और बिजनेस लेटर का टोटली डिफरेंट है, फॉर्मल होती है लैंग्वेज पर उसमें फ्रेंडली टच होता है, पोलाइट होती है, और मतलब ऑफिशियल डेजिग्नेशन जैसी कोई बात नहीं होती है। डिफरेंस सेकंड पॉइंट इज डिफरेंस इन लेआउट और फॉर्म। जो ऑफिशियल लेटर होता है उसका जो लेआउट है टोटली डिफरेंट होता है फ्रॉम बिजनेस लेटर, कि बिजनेस में जनरली प्रिंटेड लेटर हेड का यूज़ किया जाता है, पर ऑफिशियल लेटर जो होते हैं जनरली प्लेन पेपर पर लिखे जाते हैं, और जो सेंडर का एड्रेस होता है वो फ्रॉम के वर्ड से स्टार्ट होता है, और रिसीवर का एड्रेस जब अपन लिखेंगे तो टू वर्ड लिखकर उसका एड्रेस लिखेंगे, और सैल्यूटेशन सब्जेक्ट वगैरह वैसे ही अलाइन होते हैं जैसा कि बिजनेस लेटर में होता है। नेक्स्ट कम्स द पर्सनल टच और फीलिंग, कि ऑफिशियल लेटर की जो लैंग्वेज होती है वो फॉर्मल होती है, पर्सनल टच या फीलिंग जैसी कोई बात नहीं होती है, और पर्सनल जो बिजनेस लेटर होते हैं वो फॉर्मल होते हैं पर उसमें फ्रेंडशिप या फ्रेंडली टच होता है। नेक्स्ट कम्स द सेल्स पॉइंट एडा फॉर्मूला, कि ऑफिशियल लेटर जो होते हैं उसमें बिजनेस लेटर में जनरली एडा फार्मूला यूज किया जाता है। एडा फार्मूला मींस ए स्टैंड्स फॉर अट्रैक्टिंग अटेंशन, आई फॉर अराउज रीडर इंटरेस्ट, डी फॉर क्रिएटिंग डिजायर, ए स्टैंड फॉर स्टिमुलेटिंग एक्शन। जनरली जो सेल्स लेटर सर्कुलर लेटर्स वगैरह लिखे जाते हैं उसमें एडा फार्मूला यूज किया जाता है टू अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ द कस्टमर, पर ऑफिशियल लेटर में ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो आप रिसीवर है उसका अटेंशन अट्रैक्ट करना चाहें, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बिजनेस जो ऑफिशियल लेटर होते हैं वो टोटली मतलब डिफरेंट होते हैं बिजनेस लेटर से। थैंक यू।